हेलो एवरीवन वेलकम अगेन मुझे तो आप जानते हैं माइने में सनी मोहले सी कि आप सबको पता है जो टाइम है वो कम है बिकॉज दो के पेपर ने झलकी दिखाई तो अब हमारे पास एक नई सीरीज शुरू हो चुकी है जो फाइव वाले तो चली रही है जो टॉप हम कर रहे हैं वो तो चलेगी चलेगी बट हमारे पास अब क्या है वी आर पेपर डिस्कशन जैसे मैंने शुरू किया दो हजार पंद्रह से दो हजार पंद्रह से दो हजार तेईस तक के हम जितने भी प्रश्न पत्र हैं क्वेश्चन पेपर है सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन और उसके बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले उसी सीरीज में तीन सेशन मैं डाल, डाल चुका हूँ दो सेशन दो हजार पंद्रह के थे एक सेशन आपका पेपर वन का है और या आपका ये पार्ट वन है दो हजार सोलह का सो वाई दिस डिस्कशन इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज जो बच्चे सोच रहे ना कि दो हजार तेईस में पेपर मुश्किल आए वो गलत है अगर आप इन पेपर्स को उठा के देखोगे ना तो एक दो एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मतलब तो तो काफी कुछ सोचना पड़ा है तो वो एक दो एक दो क्वेश्चन को उठा के दो हजार तेईस का पेपर बना दिया गया मुझे तो ये एनालिसिस लग रही है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना दो में जो भी क्वेश्चन है ना जो भी क्वेश्चन है जो भी उस प्रश्न पत्र है क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आप देखोगे ना कहीं ना कहीं वो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको दिखेगा जहां तक मैंने प्रोडिक्ट किया और बहुत डीपली प्रोडिक्ट किया तो इस बात को समझ के चलो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है तो जो भी है जो ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ये मत करना कि तेईस का बाईस का और बीस इक्कीस के कर ले तीन चार कहानी खत्म नहीं सब करने पंद्रह से लेके आपने तेईस तक के क्लियर करोगे क्या मेरे साथ करोगे पार्ट ए हो चुका है पार्ट बीस का ये प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना

मेरे पास बेसिक फीचर्स क्या है टाइमिंग क्या रहेगी तीन से साढ़े चार ये हफ्ते में चार दिन बैच चलेगा मतलब फोर डेज तो मिनिमम क्लासेस तो हैं डिपेंड करते हैं और भी फॉर क्लासेस हो सकती हैं और आपका वीकली टेस्ट होता है संडे को जो हमने चार दिन पढ़ा उसके ऊपर टोटल लेक्चर है 180 प्लस अब आप कहोगे सर क्या एक सौ अस्सी प्लस लेक्चर का कोर्स है जी हाँ इतना कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो ये नाइनटी आपको दिख रहा है नाइनटी फिफ्टी क्वांट

MCQ practice sessions कितने हैं? जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस नाइनटी को छोड़ के लाइव कितने हैं आपके पास दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो लेक्चर आप डिलीवर जो लेक्चर डिलीवर होंगे आपको उसके हिडन फीचर्स हैं? नंबर एक आपको क्लास पीडीएफ मिलेगी ठीक है जो अटैच होगी किसके साथ आपके सेशन के साथ आपको एक हफ्ते का सेशन का पहली पता चल जाएगा क्या नंबर दो डेली के प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको ठीक है नंबर तीन इसका डिस्कशन डिस्कशन कैसे साढ़े चार बजे तक तो क्लास उसके बाद थर्टी मिनट्स का क्या मिलेगा आपको डाउट सेशन जिसमें आप जो आपको लास्ट लेक्चर में शीट मिली उसको या पिछले किसी भी टॉपिक से किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं ठीक है कोई डाउट हो तो प्लीज आप नाइन फाइव वन ट्रिपल सेवन वन सिक्स फाइव वन पे किसी टाइम कॉल कर सकते हैं या इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं चलिए चलते हैं है है, 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 बेटा हमारा एक जिसका में दिया गया उसे भी भी आप कीजिए ताकि जो वीडियो आती कोई भी कोई भी नया क्वेश्चन आता है कुछ भी सब उसी के अंदर प्री अपलोडेड हो जाता है डन तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर एक की तरफ चलिए बेटा यूपीएससी दो हजार सोलह का ये पार्ट टू है 30 ग्राम ऑफ शुगर वॉज मिक्स इन वन एटी एम एल ऑफ़ वाटर इनसे वॉज मिक्सड इन टू एटी एम एल ऑफ़ वेसल बी एंड 20 ग्राम ऑफ शुगर वॉज मिक्स इन 100 एम ऑफ वाटर इन वेसल सी क्या दिया है अब क्या दिया है दल्यूशन इन वेसल बी मुझे बी को कंपेयर करना है द क्वेश्चन इज सही प्लीज कंपेयर बी स्वीटर दैन दैट इन सी स्वीटर स्वीटर दैन सी एंड लेस स्वीटर चलिए देखते हैं अगर देखो मैं एक ही बात करूं थर्टी ग्राम ऑफ शुगर बोन मिक्स इन वन एटी एम एल यानी आप क्या कहोगे यानी वन बाय सिक्स ग्राम पर एमएल ऐसी बोलोगे है ना चलिए बी में क्या दिया मेरे पास आ, में फोर्टी ए बॉन्ड टू एटी यानी कितना वन बाय सेवन ग्राम पर एम ठीक है में क्या दिया गया मेरे पास ट्वेंटी इन हंड्रेड ट्वेंटी ग्राम पर हंड्रेड यानी कितना वन बाय फाइव ग्राम पर एम ठीक है अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे बताओ आप कि आपके पास क्या है अब क्या बोला है द सोलूशन इसका मतलब वन सेवन को कंपेयर करना है क्या बोला है? स्वीटर देन सी सी क्या ये से ज्यादा स्वीट होगा सोच के देखिए क्या हो सकता है सी में क्या है वन और यहां पर अगर आप बेसिकली इसकी परसेंटेज भी निकाल लो फोर्टीन समथिंग है ये कितना है ये अपना ट्वेंटी आ गया और ये कितना आ गया सिक्सटीन पॉइंट सिक्स ऐसे भी करके चल लो ठीक है अब वो क्या कह रहा है आपको कि भाई क्या कह रहा है वो देखो अब स्वीटर देन सी क्या सी से ज्यादा मिट्टा है नहीं स्वीटर देन दैट इन ज्यादा मीठा है बताओ जरा और तीसरा क्या कह रहा है आपको एस स्वीट एज इन सी क्या सी से ज्यादा और लेस तो स्वीट सीधा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर परसेंटेज से भी कर लोगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए भाई बट आंसर इसका डी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है अगर आप ऑप्शंस को भी देखें ना सी से स्वीटर नहीं हो सकता अच्छा ए से नहीं हो सकता देखो चलो आपको एक और तरीका बताता हूं उसको शुरू करने का देखो अगर मैं एक ही बात करूं देखो ए बी सी कितना डिनोमिनेटर को सेम करते हैं तो अगर मैंने इसे डिनोमिनेटर को सेम किया तो देखो यहां कितना आएगा छह सात और पांच कोपराइम कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थर्टी फाइव बाय थर्टी फाइव से सेम करना है मुझे न्यूमिनेटर से मतलब है बेसिकली सेकंड कितना है ये कितना हो गया सात है छ पंच पन्च। छ पंचा तीस तीस बटा तीस ठीक है नेक्स्ट देखो जरा ये पांच है तो ये कितना बचा छ था सात था बयालीस बटा बयालीस अब देखो जरा इसका मतलब पहले ए की वैल्यू पैंतीस आ गई बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास तीस और सी कितनी आ गई बयालीस समझ आ गई बात अब देखो अगर एक ही बात करूं ए स्वीटर नहीं भाई स्वीटर देन ए बी नहीं ए स्वीट ए नहीं लेस स्वीट देन सी समझ आ गई बात तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो ना समझ आए तो बस डिनोमिनेटर को बराबर करो और आंसर लगा दो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा ठीक है चलिए इन अ क्लास देर आर एटीन वेरी टॉल बॉयज दिस कॉन्स्टिट्यूट थ्री फोर्थ ऑफ द बॉयज यानी थ्री बाय फोर टू कितना तो थ्री बाय ट्वेंटी फोर आ गई चलिए नेक्स्ट थ्री फोर्थ ऑफ द बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज टू थर्ड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी टू बाय थ्री ऑफ इज इक्वल टू कितना ट्वेंटी फोर तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए थर्टी सिक्स वट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स देखो अगर बॉयज चौबीस हैं टोटल छत्तीस हैं तो भाई कितना बचा ऑप्शन नंबर बी सही होगी कोई दिक्कत नहीं चलिए चलिए अनिता मैथमेटिक टेस्ट है सेवेंटी प्रॉब्लम्स कैरिंग इक्वल मार्क्स दैट इज टेन मैथमेटिक तो सेवेंटी प्रॉब्लम है भाई टोटल टेन अर्थमेटिक्स और ध्यान रखिएगा सबके मार्क्स भी अलग मार्क्स भी सेम है सॉरी थर्टी एंड थर्टी जोमेट्रिक ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ऑल दो शी एंड सर्ड सेवेंटी परसेंट ऑफ अर्थमेटिक यानी इसका सत्तर परसेंट कितना हुआ सात फोर्टी परसेंट ऑफ एल्जेब्रिक यानी इसका फोर्टी परसेंट कितना ने अनिता ही नाम है टेस्ट बिकॉज दट गॉट लेस देन सिक्सटी परसेंट मार्क्स इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बताया गया जो पासिंग मार्क्स है वो मेरे सिक्सटी परसेंट है तो इसका सिक्सटी परसेंट कितना हुआ 42? इसका इसका हो गया. क्या कह रहा भाई? मतलब कितने? पांच पांच अपने को और चाहिए question और चाहिए हो question और चाहिए होंगे होंगे. अगर मैं एक question का एक नंबर मानता हूँ क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ भैया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए के लगातार आएंगे ठीक है चलिए द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉय फाइव थाउजेंड मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल फीमेलॉई एंड फोर्टी टू हंड्रेड द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द दंपनी ये क्वेश्चन हम करेंगे एलिगेशन से देखो अगर मैं मेल की बात करूं फिफ्टी टू हंड्रेड अगर मैं बात करता हूँ फीमेल की आ, कितनी है जी फोर्टी टू हंड्रेड और अल्टीमेटली कितना है मेरे पास फाइव थाउजेंड करिए जरा माइनस फाइव थाउजेंड माइनस फोर्टी टू हंड्रेड इज एट हंड्रेड यहां माइनस करो कितना आएगा टू हंड्रेड अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेशो किसके

फीमेल क्योंकि सैलरी की आपको एक्चुअली में यूनिट्स पता होने चाहिए यूनिट्स में पर के साथ जो चीज आएगी वही आपका एलिगेशन का जब आप लगाओगे तो एंड में रेशो आता है क्लियर अब देन परसेंटेज परसेंटेज ऑफ ऑफ मेल मेल तो कितने चार भाई टोटल कितने हैं पांच इंट ऑफ विश्व कितना होगा ऑप्शन नंबर बी एटी परसेंट इज द राइट आंसर क्लियर सो so, प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए

ट्वेंटी बाय हंड्रेड एक बटे पांच एक्स लेस देन जेड से इसका मतलब नंबर दो क्या कह रहा है एंड देन द थर्ड नंबर एट परसेंट का मतलब क्या भाई ट्वेंटी एट बाय हंड्रेड चार सठ अठाई पच्चीस चौके सौ यानी अगर ये पच्चीस है सात कम कर दो तो कितना आएगा अट्ठारह प्लॉट कीजिए यहाँ पे कितना आएगा पांच प्लॉट कीजिए यहाँ पे कितना आएगा पच्चीस तो ये कितना हो गया सौ एक सौ पच्चीस और ये कितना हो गया नब्बे तो क्या बोल रहे हैं? By what percentage then y is less than x? तो भाई भाई अगर सो है तो नब्बे तो डेफिनेटली कितना कम हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्यूरेटली ऑप्शन नंबर बी टेन परसेंट तो ये क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है बट मुश्किल भी नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्लियर चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूं मैं चलिए अब पीस ऑफ टिन इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हैविंग लेंथ ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड विथ एट सेंटीमीटर ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड विथ क्या आपके पास एट सेंटीमीटर ठीक है दिस इज यूज टू कंस्ट्रक्ट अ क्लोज्ड क्यूब मतलब इससे आपने क्या बनाई आप ऐसे बोलो क्लोज्ड क्यूब साइड ऑफ द क्यूब इज अब देखो मैं एक ही बात पूछता हूं इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में व्हाट यू हैव टू फाइंड आपको फाइंड क्या करना है बेसिकली आपको क्यूब की साइड फाइंड आउट करनी है ऐसा कुछ ऐसे बट इस केस में आपको ये देखना इक्वल क्या होगा आप क्या बोलोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बिकॉज इसी शीट को तोड़ मोड़ के आप क्यूब बना रहे हो ऐसे कुछ बनेगा बिल्कुल जी तो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना ट्वेल्व इन ऑफ कितना एट अगर मैं इसके साइड सा मानता हूं तो ये कितना ए स्केर छोनी बारह स्केर इजल टू सोलह रूट सोलह यानी कितना चार सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ये तो आपको पता चलना चाहिए प्रोफिट स्केर सा बनने वाला कुछ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है

कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन पूछा होगा कि भैया किससे ज्यादा नहीं हो सकती देखो चलो पहले तो देख लो क्वेश्चन है क्या वो ये कह रहा है ये एक्स वन है और ये मेरे डायमेंशन एक्स टू है अभी एक्स वन एक्स टू का कुछ नहीं पता बट एक चीज दी हुई है एक्स वन प्लस एक्स टू कितना है मेरे पास एक्स वन प्लस एक्स टू कितना है चालीस दूसरी चीज क्या है वो ये कह रहा है कि भाई एरिया ऑफ एग्रीकल्चर बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकते बहुत सारी बट वो मैक्सिमाइज की बात कर रहा है कि मैक्सिमम एरिया कितना समझो बहुत सारी आप टेन पुट करो टेन टेन पुट टेन पुट कर लो इसको थर्टी पुट कर लो ठीक है फिफ्टीन पुट कर लो ट्वेंटी फाइव पुट कर लो बट आपके पास मैक्सिमम एरिया किस केस में आएगा जब लेंथ और ब्रेथ बराबर होंगी यानी आपने इसको भी ट्वेंटी पुट किया और इसको भी ट्वेंटी पुट किया यानी एरिया कितना हो गया आपके पास फोर हंड्रेड मीटर के तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता आपको करके देख लीजिएगा फिर भी यही आएगा क्लियर तो भाई ऐसे धमाकेदार सोल्यूशन मिल रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज 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 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं स्टूडेंट्स चलिए भाई ये है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आप थोड़े से दिमाग में डाउट्स पैदा होंगे देखिए क्या दिए हाउ मेनी नंबर देर आर बिटवीन हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड विच आई बिगिन विद और एंड विद टू मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि भाई सौ से तीन सौ के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जिनके तो पहले अंक पे दो आ रहा है या एंड में दो आ रहा है दोनों बताने कैसे करेंगे देखो सबसे पहले इसको पेयर्स में तोड़ो मैं अगर बात करूं पहले केस की 100 टू 200 यानी 100 से 200 की बात करें वो को देखो जब भी हंड्रेड सॉरी हंड्रेड से वन नाइनटी नाइन की बात करो टू हंड्रेड से अलग बात करो मैं चल रहा हूं हंड्रेड से वन नाइनटी नाइन देखो अगर हंड्रेड से वन नाइन की तरफ आप चले आपके पास हुआ क्या आपके पास हुआ क्या आपने क्या किया आपने सबसे पहले देखा कि भाई पहले नंबर पे वो ये कह रहे भाई एक दो तीन तीन डिजिट का नंबर वो कह रहा है यहां पे दो जाए क्या यहां पे दो जाए मेरी बात सुनो जब पहला मेरे पास फिक्स है दूसरे की मुझे चिंता नहीं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो आ सकता है जो कि मेरा यूनिट डिजिट है वो क्या मैं एक सौ दो लिख सकता हूं एक सौ बारह लिख सकता हूं एक सौ बाईस लिख सकता हूं एक सौ बत्तीस एक सौ बयालीस एक सौ बावन एक सौ बासठ वन टू वन टू वन नाइनटी टू तो कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यानी दस तो यहां से आगे अब ये वो थे जहां पे एंड में आ रहा है कुछ ऐसे नंबर भी होंगे एंड शुरू में भी आ रहा होगा बट अगर आप टू वाली डिजिट देखो ना कहां से टू हंड्रेड से थ्री हंड्रेड या टू नाइनटी नाइन तो कितने नंबर हो गए भाई सौ तो नंबर हो गए तीन सौ में तो आएगा नहीं सौ ये दस ये कितना होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए तो दस तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा आपको सही होगा पैशन क्वेश्चन करने के थोड़ा दिमाग चलेगा ऐसे क्वेश्चन सो so, ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है नंबर सिस्टम आ गया छोड़ देंगे नहीं कुछ नहीं नहींजी है सब यहाँ बढ़िया बढ़ेगा आप चिंता मत कीजिए डन सो प्लीज इस सेशन को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करिए डन चलिए अब माइक्रो कोर्सेज जो एक माइलस्टोन है मतलब अपने आप में चलता फिरता यार क्या बोलो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है क्योंकि जहां भी आप जाओगे ना पूरा सीरी से का कोर्स थमा दिया जाएगा भैया कर लो बट हम यहाँ पे आपको छूट क्या दे रहे हैं आप पूरा कोर्स मत नहीं लेना मत लो जिसका में दिया लेना लो नहीं लेना मतलब बट तैयारी कर लो जो लेक्चर करना है वो करो जो टॉपिक करना है वो करो जो चैप्टर करना है वो करो और जो करना है उसी के पैसे दो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं साथ में चैप्टर की फ्री में कैसे इतने सारे डाउट्स क्लियर कर दिया आपके मैंने कि क्या है माइक्रो कोर्स एक ही बात में बोल के सारे डाउट्स क्लियर अब देखो माइक्रो कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको मैं बताता हूं आपको व्हाट इज माइक्रो कोर्स चलिए चलिए अगर आप गूगल पे लिखेंगे आप भी तो ऐसा खुलेगा तो जाइए आप हम चलेंगे सिविल सर्विस सी सेट पे चलिए कंप्लीट कोर्स देखिए यहाँ पे हमारे सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे वीडियो कोर्सेज हैं और ये रहा वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ से माइक्रो देखिए यहाँ पे दस डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए कॉल भी व्हाट्सएप जैसे आप कहेंगे टीम वैसे जुड़ेगी मेरे पास अपना मेल आएगा मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा डन चलिए देखिए मैथ एंड मेंटल एबिलिटी है पे पूरा बंडल कितना तो पच्चीस परसेंट से, पे से ज्यादा तो पर पेपर जो आपका नंबर सिस्टम से आया था तो सिर्फ नंबर सिस्टम करो क्यों तो करोगे अगर वो नहीं करना नंबर सिस्टम करने का दिल है देखिए इसमें क्या मिल रहा है आपको दस लेक्चर्स मिल रहे जिसमें पूरा नंबर सिस्टम खत्म दस लेक्चर्स

देख सकते हैं ठीक है जहां तक अच्छा वो कोर्स में है कोर्स में लगे हुए लेक्चर ठीक है तो चलिए तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए डन चलिए थैंक यू और प्लीज सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे थैंक यू